नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे हनीटेक वर्ल्ड में। दोस्तों, आज को जो ये वीडियो है, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत खास वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कैसे जब आप अपना पीसी या लैपटॉप जब आप परचेस करने जाते हैं, उस समय जब आप अपने पीसी या लैपटॉप का पावर बटन ऑन करते हैं तो कुछ ही सेकंडों में आपका विंडो जो है वो ओपन हो जाता है और आपने उस पीसी को आप जैसे जैसे आप यूज़ करते रहते हैं, उसमें जैसे जैसे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते रहते हैं, तो आपका जो पीसी जो बूटअप होने में बहुत टाइम लेने लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है कि आप कैसे उस बूटअप टाइम को कम करना है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको कौन कौन से सेटिंग चेंज करने हैं जिसके वजह से आपको जो स्टार्टअप का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग कम हो सके। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ना लेते हुए बूट मेनू में, मगर उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन के साथ चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब किया है उन दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, हम सीधा चलते हैं अपने सर्च में चलते हैं और यहाँ पे हम टाइप करेंगे रन RUN। ठीक है, जैसे मैंने रन टाइप किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन करके एक टैब हो रहा है, वह हाईलाइट हो रहा है। मैं इसको ओपन करूँगा। इसको ओपन करने के दो तरीके हैं, एक तो आप सर्च में जाकर रन टाइप कर दीजिए और एक आप विंडो प्लस आर जैसे आप टाइप करेंगे ये रन का जो सब विंडो है ये ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे आपको टाइप करना है, जहाँ पे लिखा ना ओपन, यहाँ पे आपको टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फिगर टाइप करना है। मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ क्या टाइप करना है। इसमें टाइप करना है MSCONFIG। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे आपको सिस्टम कॉन्फिगरेशन का जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सीधा जाना है बूट मेनू में जाना है। बूट मेनू में जाना है तो आप देख सकते हैं फर्स्ट में जो हमारी इस लैपटॉप में जो OS इंस्टॉल है वो उसका नाम आ गया, विंडो 10 मैंने इसमें इंस्टॉल कर रखा है। इसके बाद आपको जो जो चेंजमेंट करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं नो GUI बूट लिखा है, तो ये GUI बूट ये होता है कि जैसे आप अपने डेस्कटॉप या PC को ऑन करते हैं, जो विंडो का लोगो का होम स्क्रीन आता है वो इसको GUI बूट उसको कहते हैं। तो अगर आप इसको यहाँ से टिक कर देते हैं तो वे लोगो नहीं आएगा। इससे क्या होगा कि कुछ हद तक आपका जो स्टार्टअप का जो टाइमिंग है वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि वे जब उसका लोगो आता है तो वे भी काफ़ी स्पेस लेता है वे उसका लोगो। तो यहाँ से हम उसको यहाँ से बंद कर देंगे टिक करके, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है मैंने, मगर आपके पीसी में आप अगर इसको चेक करोगे तो यहाँ पे 30 होगा। ठीक है, वो बाई डिफॉल्ट होता है 30 होता है, तो आप इसको चेंज करना है। आप इसको 3 to 99 कितने भी सेकंड में आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम सबसे जो मिनिमम टाइम है वो हम इसमें डाल देंगे 3 से कम नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एडवांस ऑप्शन में जाएंगे। हमको केवल इसमें दो ही चेंज करना है, एक यहाँ पे टिक करना है GUI बूट पे और यहाँ पे टाइमिंग चेंज करनी है 3 सेकंड करना। उसके बाद हम जाएंगे एडवांस ऑप्शन में जाएंगे। एडवांस ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से 4 है, मगर एक्चुअली जब आपको जो PC होगा इसमें केवल एक ही होगा, तो आपको क्या करना है इसको टिक करके और यहाँ से 4 करना है। जो आपका PC होगा उसमें 1 होगा, आप चाहें तो आप ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको 4 कर दिया। 4 करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ पे मेमोरी का ऑप्शन आ रहा है, तो ये बाई डिफॉल्ट 0 ही होगा आपके उसमें PC में। तो इसको भी हमको टिक करके, जो हमारा रैम है जब हमारा स्टार्टअप ऑन हो, जब हमारा PC ऑन हो, तो उसमें ये रैम जो है पूरा उसका इस्तेमाल करे ऑन करने में। तो इससे क्या होगा कि आपका जो PC और लैपटॉप की स्पीड काफ़ी हद तक जैसे आप नए में लाए थे वैसे हो जाएगी। और एक लास्ट ऑप्शन और है, वो तीसरा ऑप्शन है, वो भी काफ़ी जरूरी ऑप्शन है, उसको भी आपको करना है। अभी मैं आपको बताता हूँ वो क्या है तीसरा ऑप्शन। यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप सीधा यहाँ जाएंगे सर्विसेज में जाएंगे, सॉरी स्टार्टअप में जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन टास्क मिल आ जाएगा। मेरा विंडो 10 है तो इसलिए मेरा ऐसा आ रहा है। अगर आपका विंडो 7 है तो आपके यहीं पे पूरे हुए एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएंगे। ये है क्या, पहले इसको ओपन कर देते, फिर बताता हूँ यह है क्या। मैंने इसको ओपन कर दिया। ठीक है, ये है कि जैसे ही आपका जो PC जैसे ऑन होता है, जैसे आप पावर बटन ऑन करते हैं, उसके बाद जैसे ही आपका वेलकम स्क्रीन आ जाता है, विंडो आ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उस समय जैसे जैसे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते रहते हो, उस सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं वे लोग बाय डिफॉल्ट कोडिंग ऐसा कर देते हैं कि जैसे ही आपके PC ऑन हो तो साथ साथ जो सॉफ्टवेयर भी वे एप्लीकेशन भी ऑटोमेटिक रन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमको क्या करना है कि हमको जिस एप्लीकेशन का उस समय काम है केवल हमको वही ऑन होना चाहिए। तो जैसे कि ये मान लीजिए ये क्रोम है। ठीक है, ये क्रोम है, ये अनेबल है, मीन्स जैसे ही मेरा PC ऑन होगा साथ साथ ये ऑन हो जाएगा, तो इसका मेरे कुछ समय को जरूरत नहीं है, तो इसको मैं कर दूँगा डिसेबल। यहाँ क्लिक करूँगा और नीचे कॉर्नर में आप देख सकते हैं यहाँ पे डिसेबल का
बटन होगा उसको मैं क्लिक कर दूंगा। ये भी क्रोम है, इसको भी मैंने डिसेबल कर दिया। और एक ये MI का है, सूट है, इसको भी मैंने डिसेबल कर दिया। तो आप अपने हिसाब से जो आपको मतलब कि डिसेबल करना है, जो बंद करना है, तो आप बंद करके रख सकते हैं। तो मैं तो आपको यही करूँगा एडवाइस कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम है वो उसको आप डिसेबल ही करके रखिए जब आपका PC ऑन होता है। जब आपको ज़रूरत है तो आप उसको खोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं मिनिमाइज। इसके बाद हम इसमें आ जाते हैं, दोबारा आ जाते हैं। अब इसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ से डायरेक्ट ओके करना है, ठीक है। ओके करने के बाद ये हमसे पूछता है कि आपको जो PC है इसको रिस्टार्ट करना है कि नहीं। तो अगर आपको करना है रिस्टार्ट, अभी जो जो आपने सेटिंग चेंज किया है, अगर आपको अभी उसका करना है तो आप इसको रिस्टार्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि बाद में करूँ मैं रिस्टार्ट, तो हम बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वे सब आपके ऊपर ही है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, अगर जो जो मैंने आपको 3 ट्रिक बताई, 3 स्टेप बताए, वे आकर स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपका जो PC है, मैं 100% बोल सकता हूँ उसका बूट मेनू की जो टाइमिंग हुए बिल्कुल नया हो जाएगा। जैसे आपका PC जब आप नया परचेज किए थे, वो वैसे ही हो जाएगा आपका। तो आप ये 3 स्टेप करिए, फॉलो करिए, और अपने कंप्यूटर या डेस्कटॉप का बूट मेनू का टाइमिंग को काफ़ी हद तक कम करिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करिए, क्योंकि अगर उनको इस बारे में पता ना हो तो उनको भी इस वीडियो देख के पता चल सके कि ऐसा भी कोई स्टेप है जिसके स्टेप से सहायता से हम अपने बूट मेनू को हम छोटे से छोटे टाइमिंग में हम उसको कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।